आज है नवंबर की 13 तारीख, 30 नवंबर है। और ये देखिए टिकोमा जो आप देख रहे हैं, ये जो फूल खिला हुआ है, ये सारा प्लांट मैंने प्रून कर दिया था एक बार, तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से फ्लावरिंग हुई थी। और इसमें मैंने कोई ऐसी स्पेशल कोई खाद भी नहीं दी। ये देखिए किस तरीके से, तो यहाँ पे बिल्कुल निगलेक्टेड सा ये मेरा प्लांट पड़ा हुआ है। दिवाली के दिए भी मैंने ऐसे ही रख दिए हैं, क्योंकि मुझे कुछ यूज़ भी इसका करना था, तो वो मैं फ़िलहाल नहीं कर पाई। बस इतना मैंने किया था कि दिवाली के पहले जब मैं गार्डन की सफाई कर रही थी, तो मैंने इसकी सबकी ना ऊपर ऊपर से एक जैसे बोले कि हार्ड प्रूनिंग तो नहीं, लेकिन एक सॉफ्ट सी प्रूनिंग कर दी थी। जो जो ब्रांचेस में फूल निकल चुके थे वो सब मैंने हटा दिया था। ये देखिए ये सब यहाँ से इस तरीके से हटा दिया था। और जब गार्डन की सफाई करी तो मैंने वो सारा जितना भी इसका वेस्ट निकला था, ये देखिए ये सब आप देख रहे हो, ये देखिए ये प्रून करके ये सब वही है, और मैंने इसमें भर दिया था ग्रो बैग में। तो सिर्फ इसको धूप में मैंने रखा है, सिर्फ ये सनलाइट में, जैसे जो भी अभी नवंबर में सनलाइट मिल रही है, और टेम्परेचर हमारे यहाँ का जो मैक्सिमम टेम्परेचर जा रहा है वो 32 के आसपास रहता है, और जो रात वाला जो टेम्परेचर रहता है, ये देखिए कलियाँ, जो रात वाला रहता है वो करीब 16 to 18 ऐसे करके 18 के आसपास रहता है। तो इस टाइम पे मैंने जैसे जब प्रून कर दिया था, तो मुझे इस तरह से अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। और सेम चीज़ मैंने, ये देखिए मेरा अलमंडा का प्लांट है, ये अलमंडा में भी मैंने इसी तरह से किया था, और इसमें एक बार फिर से कली मतलब फूल आ गए हैं। तो प्रूनिंग का ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बहुत ज़्यादा होता है। बस ये हमको देखना पड़ता है कि हम समय का देखना पड़ता है कि किस उसमें टेम्परेचर में कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ठंड, जैसे अब डॉर्मेंसी का पीरियड आ जाएगा, डॉर्मेंसी मतलब जब प्लांट रेस्ट पे जाने लगेंगे, क्योंकि ये सारे प्लांट जो होते हैं ये होते हैं परमानेंट प्लांट होते हैं, ये सीजनल नहीं होते हैं। ये हमारे पास हमारे गार्डन में अगर हम इनको गमले में जैसे लगाया हुआ है या ग्रो बैग में लगाया हुआ है, इनकी देखभाल करते रहते हैं, इनकी रूट प्रूनिंग करते हैं, टाइम टू टाइम करते हैं, हर समय किसी भी समय नहीं कर लेते हैं, तो ये प्लांट हमारे पास सालों साल चलते रहते हैं। तो इनको इनका जो रेस्ट का पीरियड रहता है ये होता है, आप जैसे ठंड एकदम से शुरू होगी, मान लीजिए आज 13 नवंबर है, आज है मान कह लीजिए 13 नवंबर तो है ही, तो 13 नवंबर से ले है, अभी उतनी वो नहीं पड़ रही है, टेम्परेचर भी उतना कम नहीं है, अभी रात का वही 16 से 18 डिग्री है। तो थोड़ा और जब टेम्परेचर कम होने लगेगा, यही आप समझ लीजिए कि 20-25 तारीख तक, उसके बाद हो सकता है और कम होने लगे, तब हम प्रूनिंग नहीं करेंगे। अभी मैं क्या करूँगा, अभी तो देखिए मेरे जैसे इस गुड़ियल में ये सब परमानेंट वाले गुड़ियल है, इसमें तो कली निकली है, फूल का साइज थोड़ा छोटा हो गया, तो अभी तो ये देखिए सब निकली हुई है कली। फिर एक बार जब ये हो जाएगी ना, तो मैं बस देखूंगी, अगर टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा कम हो जाएगा तो मैं इनको प्रून नहीं करूँगी। और अगर ये देखिए मेरा सुख शांति वाला प्लांट, ये देखो, तो जैसे कि बहुत सर्दी हो जाएगी, बहुत ठंड हो जाएगी जब, तब तो हम प्रून नहीं करेंगे। और अगर आपको कि हाँ मतलब अभी ठंड पड़ने लगी है तो मत करिए, नहीं तो अभी रुक जाइए, जैसे वो आप अपने यहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से देख लीजिएगा। ये देखिए, नहीं तो फिर बाद में फरवरी मार्च के टाइम पे प्रूनिंग कर सकते हैं। तो अभी भी देखिए धूप मतलब टेम्परेचर अच्छा खासा है, इस वजह से ये देखिए अडेनियम कितने खिल रहे हैं, क्योंकि अडेनियम सर्दी में तो खिल ही नहीं सकते। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं ये। तो यही मैं आपको दिखा रही थी कि जब भी आप प्रूनिंग करते हो ना, तो बस आप समय का ध्यान रखिए, एक मौसम का ध्यान रखा करिए कि टेम्परेचर कितना हो रहा है, बहुत ज़्यादा सर्दी, बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत तेज़ धूप हो, ऐसे में मत करिए। जब ग्रोइंग पीरियड हो, जब आपको लग रहा है कि अभी प्लांट आपको अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, उस टाइम पर कर, आप जैसे मान लो ये फूल तो निकला है, अब हम इसको तो नहीं प्रून कर देंगे ना, जब अच्छा खासा ये फूल निकला हुआ है तो ठीक है ना, ये तो वैसे भी अपने पत्ते सारे गिरा ही देंगे, ये लोग तो सब गिरा देंगे। ये देखिए धीरे धीरे करके इसमें भी देखिए अभी फूल निकल रहा है, अब धीरे धीरे करके जैसे जैसे टेम्परेचर थोड़ा ठंडा होने लगेगा, कम होने लगेगा, वैसे वैसे फ़िलहाल अब तो विंटर के फूलों की बिल्कुल बहार आने वाली है। और मैं भी अपने वहाँ बालकनी में तो काफ़ी कुछ लगाया हुआ है, पिटूनिया उटूनिया सब लगा दिया है, मैरीगोल्ड भी लगाया है, अब इसको भी मुझे रिपोर्ट करना है कॉस्मस को, क्योंकि इसके पास बिल्कुल भी वो नहीं है, मतलब न्यूट्रिएंट कुछ नहीं है, इस वजह से इसकी ग्रोथ भी रुकी हुई है। अभी तो पता है वो भी खिल रहा है, क्या बोलते हैं ना, पर्सलेन भी खूब खिलते रहते हैं। ये देखो अभी ये ना पता आपको लग रहा होगा कली है, ये कली नहीं है, अभी जैसे जब चढ़ाऊंगी ना, ये अभी सुबह का असल है, एकदम मॉर्निंग वाला टाइम है, ये पूरा फूल खिल जाएगा। चलिए भाई मैं चलती हूँ, और आप अब मैं नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊँगी वो गुलाब की उस पर केयर पर फर्टिलाइज़र पर शेयर करने वाली हूँ। तो आपको अगर गुलाब पे जानना हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वॉच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। ये देखो चलिए ये दिखाते वाले, देखो पालक कितनी प्यारी लग रही है, कितनी सुंदर सी लग रही है, अभी बीच से लगाई थी मैंने, थैंक यू। देखिए जैसे ये गोरी चोरी का है, येलो टिकोमा का है ना,
ये देखिए ये सब फूल खिल चुका है, ये देखिए ये सारा खिल चुका है, इसको प्रून कर सकते हैं। और पता है इस समय तो टेम्परेचर ऐसा है इसकी कटिंग भी लग जाएगी। कुछ हार्डी प्लांट ऐसे होते हैं इनकी कटिंग, ये सब ये देखिए कल ही निकल रही है, पर अब बहुत ये काफ़ी वैसा प्लांट हो गया है, तो अभी ये बड़ा भी हो गया है ना, तो इसको उतना न्यूट्रिएंट मिल नहीं रहा है और मौसम भी इसका अब जा रहा है। ये देखिए ये गोरी चोरी का येलो टिकोमा का है, तो इसको भी मैं प्रून कर दूंगी। ये सब अभी, और ये सारा कुछ फेंकूंगी नहीं, सब किसी ग्रो बैग में या किसी पुराने बड़े गमले में इसको डाल दूंगी। इसकी थोड़ी सी सॉफ्ट तो नहीं कहेंगे और ना हार्ड करूंगी, क्योंकि कुछ रहना चाहिए इसमें, सर्दियों से इसकी जड़ें बची रहें, जिससे अभी जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी ना, तो इतनी इतनी सी कर दूंगी बस। जब करूंगी तो मैं इसका वीडियो भी शेयर कर दूंगी।